झारखंड में बेरोजगार युवकों का एक बड़ा मसला है और अब जो नया विधेयक राजभवन से पास हुआ है उस विधेयक को लेकर युवा सड़कों पर है और इसे लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस विधेयक के तहत अगर नकल करते हुए पकड़े गए छात्र तो उन्हें पहली बार में 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा पहले जब किसी परीक्षा में धांधली होती थी या फिर प्रश्न पत्र लीक का आरोप जब लगाते थे छात्र तो वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, अपनी बातें रख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन सब मुद्दों को लेकर लगातार छात्र एक बार फिर से मुखर होने लगे हैं और ये झारखंड की विडंबना ही है कि यहाँ छात्र हमेशा पढ़ाई पर कम, पढ़ाई के टेबल पर कम, सड़कों पर ज़्यादा नजर आते हैं। करिश्मा जुड़ी हुई है हमारे साथ। करिश्मा, लगातार आप छात्रों के मुद्दों को कवर करती रही हैं, एक बार फिर से इस विधेयक को लेकर छात्र आंदोलन का मन बना रहे हैं। जी, झारखंड विधानसभा से प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को जब पारित किया गया था उस वक्त भी प्रोटेस्ट जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिल रहा था। अभ्यर्थी उस वक्त भी बोल रहे थे कि अगर ये कानून बनता है तो इससे हमारा भला नहीं होगा, इससे सिर्फ यही होगा कि हम लोग अपनी बात को सरकार तक या फिर जो गलत हो रहा है वो हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी इस विधेयक को, तो उसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी अब आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जब गड़बड़ी होती थी, जब भ्रष्टाचार हमें दिखता था तो हम लोग त्वरित उस पर अपनी बातों को रखते थे और ये मांग करते थे कि सरकार इस पर अंकुश लगाए। अब उनका कहना है कि इस विधेयक से कहीं ना कहीं उनका जो हक है, जो अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपनी बात को नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1 साल की सजा के साथ साथ 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों का कहना है कि एक और जहां हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी बात को सरकार तक रखने की कोशिश करेंगे कि उस सेंटर या फिर जहां पे परीक्षा हो रही है वहां पर गड़बड़ी हो रही है तो सरकार की ओर से एक ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारे साथ ही गलत होगा, हमें ही 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और 1 साल की सजा भी होगी। तो अभ्यर्थी इस विधेयक से कहीं ना कहीं काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि सरकार के साथ साथ राज्यपाल को उस पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य में अगर JPSC की परीक्षा हो या फिर JSSC की परीक्षा हो तो यहाँ पर हमेशा गड़बड़ी देखने को मिलती है और इस गड़बड़ी को लेकर लगातार झारखंड के अभ्यर्थी सड़कों पर रहते हैं, कई बार आंदोलन भी देखने को मिला। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आने वाले समय में हम लोग कोई परीक्षा देते हैं और अगर हमें पता चले कि उस पर्टिकुलर सेंटर में गड़बड़ी हुई है और हम लोग अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ ही सरकार की ओर से इन तमाम चीजें की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो काफी हताश है, परेशान है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्या अब हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्या सिर्फ अब हम लोग पढ़ेंगे और अगर गड़बड़ी कुछ होती है तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो कह सकते हैं आसिया कि अब अभ्यर्थी जो है सरकार से यहाँ पर निवेदन कर रहे, आग्रह कर रहे हैं कि सरकार को एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ राज्यपाल से भी इन लोगों ने आग्रह किया है कि एक बार अगर इस पर पुनः विचार हो जाए तो अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अगर भ्रष्टाचार के साथ साथ अगर गड़बड़ी होती है तो लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। एक और मसला है करिश्मा, JPSC अभी तक नहीं हुई है और मुख्यमंत्री अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में है और उन्होंने बड़ा ये ऐलान किया युवाओं के लिए भी, अभ्यर्थियों के लिए भी, कि आप पढ़ाई करना ना छोड़ें, पढ़ाई करते रहिए, सरकार आपके लिए सोच रही है, जल्दी JPSC की परीक्षा होगी। तो ये उम्मीद करें कि आने वाले महीनों में, क्योंकि अब अगले साल चुनावी वर्ष होने वाला है, तो ऐसे में अब सरकार की कोशिश होगी कि JPSC को जल्द करवाया जाए। जी, 11वीं JPSC का विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है और इसको भी लेकर झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ एक ही बात बोल रहे कि अगर आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो वो लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर अभ्यर्थी पढ़ाई करें लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, विज्ञापन कब जारी होगा, कब तक हम ऐसे पढ़ेंगे और कब हमें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कई अभ्यर्थियों से मैंने खुद कल बातचीत की थी कि 11वीं JPSC का विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है, आप लोग इसको लेकर क्या सोच रहे। तो उनका कहना है कि हम सिर्फ आयोग से यही बोल सकते हैं कि जल्द से जल्द आप जो 11वीं JPSC का विज्ञापन है वो जारी कर दे ताकि जो अभ्यर्थी सपना देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचते हैं, झारखंड के कई जिलों से यहां पर पहुंचते हैं सिर्फ यही उम्मीद के साथ कि जिस रूम में वो पढ़ाई कर रहे हैं उसी रूम से वो नौकरी लेकर निकले। क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, कई स्टूडेंट जो है आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, तो ऐसे में
उनका कहना है कि सिर्फ हम चाहते हैं कि सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ले, ताकि हम उस परीक्षा में अगर क्वालिफाई करें तो हम जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो जाए। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा संकेत यहाँ पर दिया है कि अब आने वाले महीने यानी कि अब दिसंबर आ गया है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिसंबर में ही 11वीं जेपीएससी की परीक्षा का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए एक बड़ी बात कही है कि जितने भी युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि नौकरी उन्हें मिले, जो चाहते हैं कि नियुक्ति उन्हें मिले, वो जल्द से जल्द मिलेगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे, कई योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, ताकि जो लोग उस योजनाओं से वंचित है, उस योजनाओं से जो वंचित है उसे कहीं ना कहीं उसे फायदा मिले। तो कह सकते हैं कि अब झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपनी बातों को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि युवा का हमेशा से यही कंप्लेन रहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे वार्ता नहीं करते। अगर वो वार्ता करने की कोशिश भी करते हैं युवा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे नहीं मिल पाते। तो अब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के मंच से तमाम झारखंड वासियों को एक सौगात दे रहे हैं, ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सभी चीजों को देख रही है, सरकार आने वाले समय में बंपर बहालियां निकालेगी, तो आप लोग चिंता नहीं करें। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन तो जरूर निकलेगा, लेकिन दूसरी ओर प्रोटेस्ट जो है वो भी देखने को मिलेगा। आसिया, जिस विधेयक को लेकर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को, उसको भी लेकर आने वाले समय में जरूर प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि अगर सरकार और राज्यपाल इस पर पुनः विचार नहीं करेंगे तो अभ्यर्थी एक बार फिर आंदोलन करने के मूड में आ जाएंगे। तो चलिए, अब ये संजीदा कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी कि जो युवाओं की मांग है और जिस मांग को लेकर लगातार वो सड़कों पर नजर आते हैं, उनकी मांगों पर अब ध्यान दिया जाए और जेपीएससी की जितनी परीक्षाएं लंबित हैं वो जल्दी जल्दी ली जाए, ताकि जो छात्र लगातार इसकी तैयारियां कर रहे हैं उनकी तैयारियां बेकार ना जाए, उनकी उम्र ना गुजरे नौकरी के इंतजार में। कोशिश सरकार की भी तरफ से हो रही है और युवाओं को भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब उम्मीद करते हैं कि झारखंड जब 23 साल का हो गया है तो चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित हों और यहाँ के युवाओं के हित में हों। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ, फिलहाल इतना ही।